विश्लेषण त्रिवाय से लेंगे वालों तथा मिलेशानी को कमी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर के बारे में। आपको पता ही है कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, जो पुराना पैटर्न था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब नया पैटर्न आ गया है। इस नए पैटर्न में अकाउंटेंसी का पेपर कैसा होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग क्या होगी, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स की। इस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 80, मतलब ये पेपर जो है 80 मार्क्स का होगा। और जो टाइम सेट किया गया है इस पेपर के लिए वो है 3 घंटे, मतलब आपको 3 घंटों में ये सारा पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। सबसे पहली चीज, इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 पार्ट्स आप वहां देखेंगे पेपर में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, मतलब ये आपको करना ही करना है, ये है पार्ट ए की बात। लेकिन पार्ट बी जो है उसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर यह है कि 2 में से सिर्फ 1 ही पोर्शन आपको करना पड़ेगा, या आप पहला ऑप्शन करिए या आप दूसरा ऑप्शन करिए, आपकी मर्जी है। तो 2 ऑप्शंस में से सिर्फ आप 1 ही ऑप्शन करें। उसके बाद एक अहम इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो ये है कि हर किसी क्वेश्चन के पार्ट्स जो होंगे, मतलब अगर किसी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप एक ही जगह पे लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक जगह पे आधे पार्ट्स लिखेंगे दूसरी जगह पे आधे पार्ट्स लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे आप वो एक ही जगह पे लिखेंगे, एक ही प्लेस पर लिखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैंने आपको पहले कहा कि पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। पार्ट ए में सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक जो भी क्वेश्चंस होंगे ये 1 मार्क के होंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 1 मार्क के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक सिंगल क्वेश्चन होगा जिसके 3 मार्क्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक 13 क्वेश्चन से हर किसी का 1 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 14 के 3 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, मतलब 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चंस, इनमें से हर किसी क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हर किसी के 6 मार्क्स होंगे। इस 19 के भी 6 मार्क्स, 20 के भी 6 मार्क्स, टोटल में हो गए 12 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, इनमें से हर किसी के 8 मार्क्स होंगे। तो ये वाले 2 क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल मार्क्स इनके 16 होंगे। तो ये है पार्ट ए की बात। उसके बाद चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में मैंने आपसे कहा था 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहला जो पोर्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 29 तक जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात आएगी, उसके 3 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 होगा, इसके 4 मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 होगा, उसके 6 मार्क्स होंगे। तो ये है पार्ट बी की बात। अगर कोई ये वाला पार्ट नहीं करेगा, दूसरा वाला कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन करेगा, उसके क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल ऐसे आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 29 तक 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 30 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। अब आपकी मर्जी होगी आप ये वाला पोर्शन करेंगे या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन करेंगे, लेकिन दोनों में क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर होंगे, बिल्कुल इस तरह। तो यह है अकाउंटेंसी का पेपर, थोड़ा लंबा है लेकिन
उम्मीद करते हैं आसान होगा। अगर आप भी इस मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और उसको डाउनलोड करिए। बाकी अल्लाह हाफिज़।